तो हम लोग ये वाला कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल डालने वाले हैं। ये मैंने अपनी पिछली दो गाड़ियों में डाला है और एकदम गाड़ी जो है स्मूथ हो जाती है, एवरेज भी काफ़ी बड़ा हुआ मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इसमें 20-25 का एवरेज दे रही है तो ये 60-70 का देने लगेगी, या अपन इसको एकदम प्लैटिना बना देंगे 110-120 का एवरेज। हाँ, 20-10-10 का फ़र्क नियरली हो सकता है कि हो जाए, वो भी मैं पक्का नहीं कह रहा, पर वील ट्राई, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी सारी गाड़ियों में। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि एक मैकेनिक ऑफ़र करके मिल रहा है जो कि इसके पीछे है, ठीक है। वो वीडियो में अभी कट करके आपको दिखाऊंगा, इसके पीछे स्कैन कोड मिलता है, इसको बढ़िया स्कैन करो और लोगों को रिकमेंड करो और बढ़िया 30-30 रुपये ना सीधे अकाउंट में आते हैं, कुछ नहीं करना, सीधे अकाउंट में 30 रुपये, मतलब भाई अमीरी एकदम जो है अमीरी, ठीक। जोक्स अपार्ट, काफ़ी अच्छा इंजन ऑयल है, फुली सिंथेटिक है और वैसे इसके लिए रिकमेंडेड 1030 है, लेकिन वी आर गोइंग फॉर 1040। तो उसमें क्या फ़ायदा रहेगा कि 10W जो होता है, दिस इज़ विंटर, W मीन्स विंटर नियरली, और नॉट नियरली, W मीन्स विंटर, और 40 जो है इसकी विस्कोसिटी होती है। 30 लेंगे तो कम विस्कस होगा, 40 जो है वो हाई टेम्परेचर्स भी बढ़िया विस्कोसिटी मेंटेन करके रखेगा। तो दिस इज़ वाई वी नीड इट एंड वी आर गोइंग टू चेंज दिस ऑयल एंड वील बी सीइंग कि क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम श्योर कि वाइब्रेशन एंड ऑल तो बहुत कम होने वाले हैं और इतने टाइम से सर्विस नहीं हुई है गाड़ी, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। चलो, तो ये सॉकेट सेट चाहिए रहेगा, उसके अलावा एक प्लास जो कि ड्रेन प्लग तो नहीं, लेकिन हाँ इंजन ऑयल जो डिपस्टिक होती है उसको खोलने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, नॉट रियली। ये अपना फनल है, बढ़िया, ये तो किचन विचन में से उठा के ले आया मैं बढ़िया अपने घर के। और इसके नीचे पाइप लगा लिया है क्योंकि थोड़ा सा स्टीप है वो जगह जहाँ पे इंजन ऑयल फिल करना है, तो वो फिल करना मुश्किल होगा डायरेक्टली फनल से, तो उसमें एक थोड़ा सा पाइप काट के लगा लिया गया है। दिस इज़ ऑल वॉट वी नीड और बहुत ईजी स्टेप्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं। फाइनली अगर मैं आपको इंजन ऑयल दिखाऊँ तो ये इंजन ऑयल की MRP लिखी हुई है 594, बट आई गॉट इट फॉर 550 प्लस, आपको बताया था 30 रुपये जो मैकेनिक ऑफ़र जो है, इसमें 30 रुपीज़ वापस अपने अकाउंट में आ गए, तो ये 520 का पड़ा, बड़ी ऑफ़र है। और अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, और अगर आप अपने घर में खुद से काम करते हैं तो आपके लिए भी बहुत सही चीज़ है ये। चलिए, तो फाइनली काम स्टार्ट करते हैं जल्दी से और इसको ख़त्म करते हैं। भूल गया था, जो आप ड्रेन करेंगे इंजन ऑयल तो उसके लिए कुछ इस टाइप की चीज़ चाहिए रहेगी, ये सबके घरों में शायद नहीं होता, हमारे घर में था तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको यहाँ ऐसे रख देंगे और इसको ड्रेन, तो ये राइट साइड है साइलेंसर, साइलेंसर के साइड में ये अपना इंजन ऑयल चेकिंग के लिए डिपस्टिक है। और इसी के नीचे अगर देखेंगे ना तो ये मैंने सॉकेट लगा के रखा था, इसको डाउन 17 नंबर का ही पाना है, यहाँ से ड्रेन करना है। बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कह रहे थे अपन वहाँ का खोलने वाले थे, अच्छा उन्होंने चेक कर लिया एक बार नहीं तो पता नहीं क्या ही खोल के रख देते अभी। तो ये करते हैं जल्दी से, फिर देख, तो इसको खोल रहे हैं अपन, ये खुल गया है इस रैचेट से, अब बचा हुआ अपन हाथ से ही खोल लेंगे। भैया ये डिपस्टिक अपने हाथ वाथ से तो नहीं खुल रही, तो वी विल बी यूजिंग दिस प्लास, तो ऐसे घुमा के खोल लेते हैं जल्दी से, हो सकता है इससे थोड़ा सा फ्लो और बढ़ जाए। तो खुल ही चुकी है तो फिर हाथ से करते हैं, और ये खोल लिया अपन ने, ये भी बहुत ही गंदी हो रही है, ये हालत देखें आप, बढ़िया टायर वायर का कचरा वचरा सब यहाँ पे आ चुका है। और अब अपन पूरी तरह से इसको ड्रेन कर चुके हैं, थोड़ा सा गाड़ी को और टिल्ट कर लेंगे एक दो बार जिससे कि फर्दर ड्रेन हो जाए। ये देखिए, थोड़ा इसे हिला भी देंगे, अबे गिर जाएगी मत करो अपने ऊपर गिरेगी तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अच्छी वीडियो बन जाएगी फिर तो। तक के डिपस्टिक धुल के आ रही है, अपन इसको टाइटन कर देते हैं यहाँ पे, और हमेशा याद रखें कि इसको ओवर टाइटन नहीं करें। एक बार मैं डोमिनर का तोड़ चुका हूँ इसको अंदर, और बहुत मुश्किल हो सकती थी उसके बाद, लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी ऐसा कुछ हुआ नहीं बच गए थे हम लोग, बहुत बहुत क्लोज कॉल था वो, टूट के अंदर ही रह गया था, हेड टूट गया था नट का,
तो ज़्यादा नहीं करें, थोड़ा बहुत बस, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बस दैट्स इट। लीक होगा तो अपन सिलिकॉन लगा के वापस टाइटन कर देंगे इसको, लेकिन ज़्यादा टाइटन नहीं करें, नहीं तो अगर टूट गया तो स्क्रू अंदर रह जाता है उसका, और फिर अच्छे अच्छे नहीं निकाल सकते उसको, आपको फिर पूरी गाड़ी लेके जाना पड़ेगी और किसी भी वर्कशॉप पे, जो कि ले जाना भी मुश्किल होगा, पैर लगा के ले जाना पड़ेगी, लात लगा के ले जाना पड़ेगी, जो अपन को आता नहीं है ऑब्वियसली। तो फाइनली ये करना है, ये सब हो चुका है, अब अपन फनल से नया वाला इंजन ऑयल डाल देते हैं और इस काम को ख़त्म करते हैं, फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो ये अपना इंजन ऑयल, हमेशा ध्यान रखें कि सील ऑन होना चाहिए, अगर ये सील नहीं है तो मत लीजिए, आप वापस करके आ जाइए इसको। ये सील ऑन है, अपन इस सील को ब्रेक कर रहे हैं अभी, और इसमें क्या एक्चुअली सिर्फ 800 ml डालना है, तो थोड़ा सा ना इस सबको पाइप थोड़ा अंदर से गंदा हो सकता है, थोड़ा सा अपन ऑयल ना वेस्ट कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं। तो ये थोड़ा सा ऑयल डाल के और थोड़ा थोड़ा साफ़ कर रहे हैं, अभी नियरली 100 ml अपन ऐसे ही वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अमीरी, बहुत अमीरी, बहुत पैसा मिल रहा है अपन को, ठीक है। हालांकि YouTube से कुछ पैसा नहीं मिल रहा मुझको भाई, मिलने वाला है, लेकिन दिखा। तो ये है अपना इंजन ऑयल का कलर, एक्चुअली देखिए गोल्डन येलोइश कलर का है, और ये जो इंजन ऑयल है ना, ये फुली सिंथेटिक है। अब आप ये पूछेंगे कि फुली सिंथेटिक और मिनरल में क्या फ़र्क है, तो एक्चुअली क्या रहता है, मिनरल ऑयल जो होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनमें साइज़ का डिफरेंस रहता है, कुछ साइज बड़े रहते हैं, कुछ साइज छोटे रहते हैं, तो एक लीनियर पावर डिलीवरी नहीं हो पाती। फुली सिंथेटिक में यह है कि सिंथेटिकली मेड होता है, ठीक है, नेचुरल नहीं होता, तो इसमें हर मॉलिक्यूल का साइज़ बराबर रहता है, इवन एट हाई टेम्परेचर्स, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इससे एक लीनियर पावर डिलीवरी होगी सबसे पहली बात, और एक कॉन्स्टेंट ल्यूब्रिकेशन मिलता रहेगा, अप डाउन नहीं होगा, तो बहुत सही चीज़ होती है। तो इससे पक्का है कि एवरेज बढ़ेगा, पर मैंने बताया था एक्टिवा प्लेटिना नहीं बन जाएगी, अपनी एक्टिवा रहेगी एक्टिवा ही, लेकिन हाँ 10 10 एट मैक्स तक, 10 नहीं तो एट मैक्स 10 तो मान ही सकते, 5 से 10 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क पड़ जाएगा, दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो चलिए डालते हैं और फाइनली बताते हैं कैसा रहा। अभी को ये इसमें ऐसे फिट कर देना है, और यहाँ ऊपर से अपन इंजन ऑयल डालने वाले हैं, देखिए यह क्या कलर है साहब, एकदम न्यू, देखिए देखिए कितना मस्त कलर आ रहा है। हाँ ऐसे चाय निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे वाला। हाँ इसमें अपन को 800 ml डालना है, वैसे ही 1 लीटर है, जिसमें से अपन 50-60 ml वेस्ट कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो फाइनली 150 ml अपन बचा लेंगे इसमें, अंदाजे से ही कर रहे हैं। इंजन ऑयल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, कम में भी नुकसान, ज़्यादा में भी नुकसान, क्लच प्लेट्स खिसकने लगती हैं, एक गाड़ी में अपन कर चुके हैं ज़्यादा, पर बताएंगे नहीं अपनी गलतियाँ अपन। अभी आई थिंक हो गया होगा 800 से, तो थोड़ा सा कम होगा लेकिन चलेगा, 800 ही होगा नियरली अंदाज़ा। तो ये हो गया फाइनल अपना, तो ये काम डन, एंड नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम, तो देखते हैं कैसी रहती है अपनी गाड़ी। ओहो चाबी नहीं लग रही, रुकिए मैं उस साइड जाता हूँ। ये लगाई अपन ने चाबी, और ओपन करने वाले हैं स्टार्ट। आवाज़ में आप लोग देख सकते होंगे कितना चेंज होगा, मुझे तो बहुत लग रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, आवाज़ में बहुत चेंज है, और वाइब्रेशन सचमुच में बहुत कम लग रहा है मुझको, अभी आवाज़ काफ़ी चेंज है इसकी इस वक्त। मतलब जब मैं ये ऐसे करके रेस छोड़ रहा था ना, तो पूरी गाड़ी बहुत ख़राब इस तरह से वाइब्रेट होती थी, अभी ऐसा नहीं हो रहा, ये अभी देखिए ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, ये रेस छोड़ने पे एकदम से होती थी, ये करके ही छोड़ा तो ऐसे ऐसे होती थी, अभी बिल्कुल नहीं हो रही, काफ़ी फ़र्क हो जाता है छोटी छोटी चेंजेस की वजह से। अभी दूसरी चीज़ अपन ये कर सकते हैं कि ये गियर ऑयल भी चेंज कर सकते थे, पर मुझे करना नहीं था, 120 ml डलता है, अभी ज़्यादा किलोमीटर्स किए नहीं है गाड़ी ने, ओनली 7500, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपन 10 के बाद कर देंगे, हालांकि करना चाहिए, रिकमेंडेड है, पर मैंने नहीं करा। और उसका भी कैस्ट्रॉल का आता है, 6000 रुपीज़ का आता होगा, पता नहीं, पर या इंजन ऑयल हम लोगों ने चेंज किया, और
फाइनली हम वीडियो उस पर ख़त्म करेंगे कि अभी इसको गाड़ी को अपन चलाने वाले हैं बढ़िया 100-200 किलोमीटर चलाने वाले हैं और बताएंगे क्या एवरेज मिल रहा है फाइनली अपन को। तो सब कुछ हो गया, अपन टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ ये बहुत होता है, तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। स्टार्ट भी एकदम बढ़िया हो रही है और यहाँ अगर आप लेके आएंगे कैमरे को तो आप देखेंगे बढ़िया स्पीड वीड भी शानदार बढ़ रही है। इसमें स्पीडोमीटर पीछे वाले टायर में फिक्स हो गया है शायद नई गाड़ियों में, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी क्योंकि अपन ने जो स्क्रैम्बलर बनाई है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अच्छा, ये मुँह से आवाज़ निकल रहा था, मैं गलत मत समझें आप लोग, गाड़ी में से नहीं आ रही। अब चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए और देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है अपना इंजन ऑयल। तो चलिए लेट्स गो। और ये अपन ले रहे हैं फाइनल टेस्ट ड्राइव, मैं अकेला ले रहा हूँ इस बार इट्स नो वन जस्ट मी। तो चलिए चलते हैं। ओहो, और ये चले अपन। अभी आपको एक्सीडेंट देखने को मिल सकता था इस वीडियो में, बच गए हम लोग। नो डाउट गाड़ी काफ़ी स्मूथ लग रही है पहले के मुकाबले मुझको, और भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है, आप लोग भी चेंज करें। बढ़िया ऑयल है ये और काफ़ी सस्ता है, मतलब मैंने ये देखा कि अगर अपन मोटुल लेने जाएंगे इसके बजाय तो मोटुल 1040 वॉज फॉर 750 एंड वी गॉट दिस फॉर 550, तो 200 रुपये का फ़र्क है। कैस्ट्रॉल अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है मोटुल भी अच्छी कंपनी है, पर फुली सिंथेटिक ऑयल कैस्ट्रॉल अगर आपको 550 में दे रहा है वो भी 1040, तो इट्स वेरी गुड। 1030 रिकमेंडेड होता है एक्टिवा में, लेकिन वी वेंट फॉर दिट दिस वन एंड आई होप इट्स बेटर देन दैट, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़र्क लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, अभी एक वीडियो इस पर बनाई है, एक वीडियो इसके रिव्यू पे भी डाल देंगे कि कैसा परफॉर्म कर पा रहा है ये एक्टिवा में, और जो हमारे एक्टिवा के ओनर हैं हमारे भाई वो आपको फाइनली बताएंगे उनको क्या फ़र्क लग रहा है। चलो बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आ गए घर वापस अपन।